8 क्लास हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर सेकंड में हिस्ट्री का पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे और उस हिस्ट्री के पार्ट हम लोगों ने कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से लेकर साम्राज्य तक का जो सफ़र है वो किस प्रकार कायम रहता है भारत में, कैसे वो अपनी योजनाओं, अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति और साम्राज्य विस्तार की लालसा को लेकर धीरे धीरे पूरे भारत में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बंगाल में अपना व्यापार स्थापित किया और बंगाल में व्यापार स्थापित करते करते धीरे धीरे उन्होंने जो है वो बंगाल के शासन में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बंगाल के शासन में उन्होंने अपनी पहली लड़ाई लड़ी जो प्लासी का युद्ध कहलाती है। 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला पूरी तरह पराजित हुए और अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया। अब अंग्रेज जो हैं वह अपने अधीन कठपुतली शासक बनाते थे, नवाब बनाते थे और अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा ही वो शासक करते थे। इसके साथ ही सिराजुद्दौला जब पराजित हो गए तो उनको उनकी हत्या करवा दी गई और मीर कासिम और मीर जाफर जैसे शासकों को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। अंग्रेजों ने अपनी मर्जी के अनुसार काम किया। धीरे धीरे जब वो लोग भी विरोध करने लगे, 1764 में एक युद्ध और हुआ था बक्सर का युद्ध, ये भी अंग्रेजों और मीर कासिम की सेना के बंदी हुआ था, जिसमें मीर कासिम पूरी तरह पराजित हुए, अंग्रेज फिर विजय हुए और अंग्रेजों ने अंतिम में मीर जाफर को शासक बनाया था। उसके बाद उसको भी हटा दिया और फिर अंग्रेजों ने निर्णय ले लिया था कि अब बंगाल के नवाब जो है वो अंग्रेज शासक ही बनेंगे, अंग्रेज ही बनेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उसमें नवाबियत करने लग गए थे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया था कि इनका भ्रष्टाचार का बाद में इन पर आरोप लगा कि काफ़ी सारा धन अंग्रेजी गवर्नर ये करते थे कि यहाँ से काफ़ी सारा धन जो है वह लेके अपने देश चले जाते थे और वहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा अच्छी खासी लाइफ जीवन वो जीते थे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है वो बंगाल से अब पूरे भारत पर अपनी नज़र रखनी शुरू कर दी थी। सहायक संधि का प्रस्ताव मैंने आपको बताया था कि इसके संधि के तहत किसी भी प्रांत को अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की सहायता ले सकता था, बदले में उन्हें अंग्रेजों की कंपनी का खर्चा उठाना था। और इसमें सबसे पहले अवध रहा, फिर हैदराबाद रहा और काफ़ी सारे राज्य रहे। मैंने आपको मैसूर रियासत के बारे में कल पढ़ाना शुरू किया था। मैसूर रियासत कर्नाटक प्रमुख में है और मैसूर रियासत के दो ऐसे शासक हुए जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों का भरपूर सामना किया। पहले शासक हुए हैदर अली और फिर उनके पुत्र टीपू सुल्तान। इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की और पूर्ण रूप से अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों से कोशिश की कि अंग्रेजों को पराजित कर सके। शुरुआती दौर में हैदर अली ने कई बार अंग्रेजों को हराया और टीपू सुल्तान ने भी शुरुआती युद्धों में जो है अंग्रेजों को पराजित किया, अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो उनसे संधि कर सके। तो हम उसी के बारे में आज वापस कंटिन्यू करते हैं कि मैसूर रियासत में कौन कौन सी घटनाएं जो है वो घटित हुई। मैसूर रियासत में पहला पार्ट बताया गया कि मैसूर की अंग्रेजों के साथ चार बार जंग हुई। मैसूर की अंग्रेजों के साथ कितनी बार जंग हुई थी? चार बार जंग हुई थी। कब कब हुई थी बता दूं आपको, 1767 से 1769 मध्य पहली जंग हुई थी, ठीक है। दूसरी जंग जो है वो 1780 से 1784 के मध्य हुई। 1780 से 1784 के मध्य जो है वो अंग्रेजों की दूसरी जंग हुई मैसूर से। फिर तो यदि मैं आपको ये सुना था कि मैसूर की अंग्रेजों के साथ चार बार जंग हुई थी, ठीक है। पहला जो
हुई 1790 से पुराण में के मंदिर हुई और चौथी जन्म हुई 1799 में चौथी जन्म 1799 से चार जन्म हुए पहली 1770 का दूसरी 2584 तीसरी 1790 से पुराण में और चौथी 1799 चार यहाँ पर अलग से चार जन्म इन जन्मों के माध्यम से जो है वो काफी समय तक मैसूर रियासत और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष चलता रहा। शुरुआत के युद्धों में हैदर अली ने अंग्रेजों को काफी युद्धों में पराजित किया और वीरतापूर्वक उनका सामना किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के सुल्तान बने और उन्होंने भी उसी तरीके से वीरतापूर्वक अपनी रणनीति के माध्यम से अंग्रेजों का सामना किया या तो कि अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों को नाकामयाब किया किसी भी तरीके से उनको सफल नहीं होने दिया और अच्छे तरीके से उनको पूर्ण रूप से जो है अपनी प्रजा का अपने प्रजा को संरक्षण किया और अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य में और अपनी संघर्ष में से कुछ संघर्ष काफी समय तक संघर्ष चलते रहे और इन्हीं संघर्षों के बावजूद जो है तो अंतिम में जब अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति और राजनीति के माध्यम से अंतिम युद्ध जीता मैसूर को पराजित किया तब दोनों के मध्य रणपटना की संधि। अंतिम युद्ध के बाद जब लड़ते हुए राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई रणपटना की संधि अंतिम संधि थी। संधि के तहत जो है काफी सारी शर्तें तय हुई थी पूरी शर्तों के तहत अब जो है वो मैसूर रियासत सहायक संधि के अंतर्गत आ गया। मैसूर रियासत किसके अंतर्गत आ गया था सहायक संधि के अंतर्गत आ चुका था। मैसूर रियासत महत्वपूर्ण रियासत थी जो अंग्रेजों की सहायक संधि के अंतर्गत आ गई थी। सहायक संधि के अंतर्गत का मतलब ये होता है कि अब जो भी शासन चलेगा वो अंग्रेजों के माध्यम से चलेगा। अब मैसूर में जो भी कार्य होगा जो भी व्यापार होगा वो अंग्रेजों का होगा। ठीक है इस प्रकार से जो है ये वही मैसूर है जहाँ पर हैदर अली ने टीपू सुल्तान ने साफ इनकार कर दिया था व्यापारिक संधि या सहायक संधि के सहायक संधि में शामिल होने से लेकिन अंत में रणपट्टन की संधि के बाद ये सहायक संधि में शामिल हो गया। अभी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे। टीपू सुल्तान एक वीर योद्धा के रूप में भारत इतिहास में इनका नाम दर्ज किया जाता है। ठीक है इनके बाद मैंने कहा इनके बाद मैसूर जो है वो सहायक संधि इस प्रकार से जो है मैसूर और अंग्रेजों के मध्य जो है एक बड़े लंबे समय तक जो है संघर्ष चलता रहा। इन संघर्षों की संख्या मैंने आपको बता दी है और इन संघर्षों में भारतीय इतिहास के पटल पर जो है मैसूर स्पष्ट दिखाई देता था कि मैसूर ऐसे रियासत है अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना अधिकार जमा लिया था कब्जा कर लिया था। ये अब जो अगली जो लड़ाई थी वो मराठों से होने वाली है। मराठा शक्ति महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत होती है। महाराष्ट्र मराठा को महाराष्ट्र से जानी जाती है और मराठा जो संगठन है या मराठा को जाती थी वह अंग्रेजों बलशाली को लोहा देती अंग्रेजों को महाराष्ट्र आने से रोक दी लेकिन अंग्रेज जो है वो अपनी कूटनीति राजनीति के माध्यम से मराठा से जीत जाते मराठा जाति मराठा जाति एक महत्वपूर्ण सपना ये था कि दिल्ली से पूरे भारत में शासन करते और दिल्ली से पूर्ण रूप से सारे राज्यों पर अपनी नजर रखते लेकिन अंग्रेजों ने इस शासन को इस सपने को कामयाब नहीं होने दिया और अंग्रेजों और मराठों के बीच में लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करने लगी। शुरुआती दौर में मराठों की ताकत को काबू करना अंग्रेजों के हाथ में नहीं था लेकिन जब अंग्रेजों ने
भाई मराठा जो है वो आपसे फूट से कमजोर हो सकते हैं, मराठा को जो है वो आपसे फूट से कमजोर किया और मराठा की ताकत को शुरुआती तौर पर बढ़ा दिया। मैंने आपको बताया कि 18वीं सदी के आखिर से कंप्लीट मराठा का लोगों को काउंट कर लिया, यानी अब जो है वो शुरुआत के बाद में कई ऐसे क्योंकि मराठा का सगर जो है मुगलों से भी चला था। मैंने आपको कभी इस बारे में जरूर आगे वाले किसी लेसन पे ये जरूर होता जरूर कि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य काफी समय तक सगर चला था। औरंगजेब को शिवाजी ने कई पराजित भी किया, यहाँ तक कि औरंगजेब की कई ऐसी जीतियां थी जिससे कि शिवाजी को पराजित किया जा सके और मराठा जाति जो है वो शिवाजी के नाम से रद्द चली जाती है। तो अंग्रेजों और मराठों के बारे में संघर्ष की बात कर रहे थे हम लोग, अंग्रेजों और मराठों के प्रति एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अंग्रेजों को अंग्रेजों जो है मराठा शक्ति को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोका। इसमें महत्वपूर्ण शासन करने का सपना जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, पानीपत की तीन युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, पहला युद्ध पानीपत का बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, दूसरा जो है अकबर और बीरबल के मध्य हुआ था पानीपत का द्वितीय, और पानीपत का तृतीय युद्ध है वह ये मराठा का मराठा जिसमें मराठा की पराजय हुई और मराठा जो है पूर्ण रूप से पराजित हुए। उन्होंने पराजित होने के बाद वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए। तो यहाँ मराठा इस चीज का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। दो बड़े योद्धाओं का नाम था महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ये दो बड़े योद्धा है, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ये नाम नोट लिया, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो मराठा योद्धा थे। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ये दोनों बड़े योद्धा थे, आठवीं सदी के दो बड़े योद्धा थे। इन दो बड़े योद्धाओं ने जो है मुगलों से लोहा लिया था। नाना फडणवीस ने जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो मराठा जो है वो अपनी शक्ति से अपनी नीतियों से जो है वो पीछे नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जो है वो आपसी फूट का फायदा उठाते हुए मराठा को पराजित करने की कोशिश की। तो महादजी सिंधिया अब इसमें देखिए पहला युद्ध मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। मराठा और अंग्रेजों के प्रति कई युद्ध लड़े गए और कई युद्धों में जो है वो मराठा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अधिकतर युद्धों में वो जो है वो अंग्रेजों से पराजित हुए। जैसे पहले युद्ध में मराठा उनका नतीजा ये निकला था कि सालबाई की संधि हुई 1782 में, सालबाई की संधि हुई थी और इस संधि के तहत ये खत्म हुआ। इस युद्ध में कोई जीता नहीं था, कोई पक्ष नहीं जीता था, लेकिन ये समझौता हुआ सालबाई की संधि में जो कि यह सीधे अंग्रेजों को मराठों के प्रति प्यार करने के लिए, सालबाई की संधि अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुआ। इसमें किसी पक्ष को जीत निकाल सकता नहीं था। दूसरा अंग्रेज और मराठा दूसरा युद्ध अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1803 से 1805। ठीक है, कब हुआ था? 1803 से 1805 में ये लड़ा गया था अंग्रेजों और मराठों के मध्य। इस युद्ध में कई मोर्चों इस युद्ध में कई मोर्चों पर जो है वह मराठा जो है पराजित हुए अंग्रेजों से। ठीक है, उनकी रणनीति जो है वह मराठों के पक्ष में पूर्ण रूप से सफल हो रही थी। मैंने आपको कहा कि अंग्रेज एक अच्छे रणनीतिकार थे, उन्हें व्यापार करना भी आता था, उन्हें शासन करना भी आता था, तभी हम
व्यापार से साम्राज्य तक कैसे पहुंच गए थे, तो व्यापार करना महत्वपूर्ण। तो दूसरा जो युद्ध है वो अंग्रेज और मराठों के मध्य 35 में हुआ और कई मोर्चों पर लड़ा गया था और इसमें कई मोर्चों पर अंग्रेज जीते और मराठा इसमें पराजित हुए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है आप और इसको समझ लें। महसूस के बारे में आपको बता दिया कि इस प्रकार से जाति को या और कौन में मारे गए। उसके बाद मराठों में लड़े गए 1848 की आखिर से कंपनी की मराठों के कारण काबू पाया। मालिकों की लड़ाई से तो सुसट हो गई थी जिसमें मराठा हार गए थे। महाराजा सिंधिया नाना फडणवीस दो महत्वपूर्ण युद्ध थे। पहले मराठा हार गए बाद सागर संधि के साथ खत्म हुआ और 82 में दूसरे 3-5 का अवधि हुआ था। ये भी कई मोर्चों पर लड़ा गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें और इसी से संबंधित कुछ और पॉइंट जो है नेक्स्ट क्लास में।